झारखंड में ईडी और सीएम के बीच रस्साकसी का दौर जारी है। जमीन घोटाला मामले में ईडी सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए समन पर समन भेज रही है। आठवां समन भेजने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को सीएम आवास में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उनसे 20 जनवरी को लंबी पूछताछ की गई थी। इसके बाद ईडी ने सीएम को एक और समन भेज दिया, जिसमें पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया है। पूछताछ के बाद नौवां समन जारी करने से दुमका के झामुमो कार्यकर्ता नाराज हैं। ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर दुमका बंद करा रहे हैं। बंद का असर भी देखा जा रहा है। शहर की अधिकांश दुकानें बंद है। कुछ दुकान और मॉल को खोला गया था, लेकिन कार्यकर्ता ने उसे भी बंद करा दिया। आवागमन बाधित नहीं है, सिर्फ दुकान और प्रतिष्ठानों को बंद कराया जा रहा है। सड़कों पर उतरकर झामुमो कार्यकर्ता ईडी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इनका कहना है कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर सीएम हेमंत सोरेन को अपमानित और प्रताड़ित कर रही है। 20 जनवरी को पूछताछ के बावजूद नौवां समन जारी कर दिया गया। केंद्र सरकार राज्य में विकास कार्य को अवरुद्ध कर रही है। अगर सीएम को प्रताड़ित और अपमानित किया जाता रहा तो कार्यकर्ता आज दुकान बंद करा रहे हैं, कल सड़क जाम और नाकेबंदी भी होगी। जनता हेमंत सोरेन के साथ है, आंदोलन और उग्र किया जाएगा। जो केंद्र सरकार द्वारा उनके एजेंसियों द्वारा बार बार माननीय मुख्यमंत्री को अपमानित किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप लोग देखे होंगे पिछले 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री ईडी के यहाँ उनका पूछताछ हुआ, फिर अचानक से 27 तारीख से 31 तारीख तक उनको बुलाहट कर दिया। हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री है, वो कोई एरू गेरू आदमी नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार इस राज्य के विकास कार्यों में अवरुद्ध डालने का काम कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री को विकास के कार्यों से रोकने का प्रयास कर रहा है। और इसीलिए हम लोग ये आज बंदी का प्रोग्राम किए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री को प्रताड़ित के अपमानित करने का काम करेगा तो हम लोग आज आंशिक बंदी है, बाजार बंद है। कल आने वाले समय में सड़क भी जाम होगा, नाकाबंदी भी होगी, मशाल जुलूस भी हम लोग आज करेंगे। अगर नहीं जेता केंद्र की सरकार उनकी एजेंसियां, तो हम लोग आने वाले समय में केंद्र की सारा काम को हम लोग ठप करने का काम करेंगे, क्योंकि नाजायज तरीके से मनमानी तरीके से केंद्र सरकार मुख्यमंत्री जी को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, उनको अपमानित करने का काम कर रहा है। इसीलिए आज हम लोग बंदी कर रहे हैं। आज ईडी द्वारा बार बार पूछताछ हो रहा है, इसीलिए हम लोग आज बंदी किए हैं। और आने वाले समय में और विशाल रूप इसका धारण होगा। झारखंड की जनता हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ है, हम लोग हर लोग हेमंत सोरेन के साथ है, क्योंकि उन्होंने विकास का काम किया है, गरीबों का काम किया है और कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को शिक्षा के लिए अव्वल काम कर रहे हैं। इसलिए अगर मुख्यमंत्री को विकास कार्यों में बाधा, उनको अपमानित, उनको टॉर्चर, उनको प्रताड़ित करेगा तो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता रोड में सड़क में आंदोलन करते रहेंगे। जब तक मुख्यमंत्री को सम्मान नहीं दिया जाएगा, उस पर खिलवाड़ होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता रोड पर रहेगा, सड़क पर रहेगा। ईडी तेरी मनमानी। ईडी द्वारा पूछताछ के लिए सीएम को समन भेजना कोई नई बात नहीं है। आठवें समन तक दुमका जिला शांत रहा। संथाल परगना प्रमंडल में साहेबगंज से विरोध का स्वर उभर कर जरूर सामने आया था। गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने 25 जनवरी को सीएम दुमका पहुंचे थे। 26 जनवरी को रांची लौटने के बाद शुक्रवार शाम ही पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर शनिवार को दुमका बंद का आह्वान कर दिया। बंद सफल भी दिख रहा है। 2 फरवरी को झामुमो का 45वां झारखंड दिवस गांधी मैदान में आयोजित है, जिसमें सीएम सहित तमाम विधायक, सांसद, मंत्री और पार्टी पदाधिकारी मंच पर रहेंगे, तो प्रमंडल के सभी 6 जिलों के पार्टी कार्यकर्ता मैदान में। देखना दिलचस्प होगा कि इतने बड़े मंच से इस परिस्थिति से निपटने के लिए पार्टी किस तरह की रणनीति अपनाती है। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।